बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारी वर, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो इसी नेक दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं जी आगाज़। तो वो दिन आ चुका है कि हम घूमने जो है वो जा रहे हैं। ये मेरा खानदान है ठीक होंगे तो जी अनवर, आज हम आए हुए हैं अपने कज़न के घर ज़ीशान मियाँ के पास। तो इन्होंने कब से बुलाया था, ठंड बहुत थी लेकिन हम आ नहीं सकते थे। तो अब दिन साफ हुआ है तो हमने इन्होंने कहा भाई आ जाओ, मैंने कहा ठीक है आ जाते हैं आज आगे। तो अब निकल रहे हैं घूमने के लिए, तो जाएंगे वहाँ पर, आपको वहाँ का विज़िट भी कराएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक, अल्लाह का शुक्र है। तो ये अस्सलाम वालेकुम प्यारे वास, तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे लगता। तो ये जो है ना अभी हम जा रहे हैं, कौन से पार्क में जाना है देखते हैं, डिसाइड तो जाके करेंगे ना फिर। अच्छा अब हमारे सरप्राइज रखा है ना, सरप्राइज तो रखा है लेकिन यानी कि अब हमारे पास जो है ना बाइक दो है, बंदे जो है वो आठ बंदे, सवारियां जो है आठ है, चार चार सवारियां बल्कि आठ की, हाँ नौ सवारियां हैं। देखते हैं अब कैसे इनको लेकर जाना है। शायद मैं तो ऐसे कहता हूँ मम्मी जान के हम जो है ना पहले एक बंदा पहुंच जाता है बाइक लेकर कुछ बंदों को लेकर, तो अपने साथ वाले पास ही है, साथ में ही है, हम इतना कहां दूर जा रहे हैं। ये भी इनका छोटा लाडला भी आया है। हाँ जी, छोटा नंबरदार, छोटा नंबरदार, यही छोटा नंबरदार वो आपके अंकल के साथ इन्होंने बनाई थी। हम जब रेत के टीलों में थे पिछले जन्म में, सबका घर उन्होंने नाम रखा था छोटा नंबरदार, जो मेरे खालू थे अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। तो उनके लिए उसकी मगफरत के लिए दुआ करनी है, आप लोगों ने बहुत सी दुआएं करनी है। तो उन्होंने मेरे बेटे के नाम रखा था छोटा नंबरदार, ये खेल रहा था, आपने शायद वीडियो देखी होगी। हाँ पिछली वीडियो में आप जाए ना अंकल के साथ इन्होंने वीडियो बनाई थी, तो वही वीडियो की बात कर रहे हैं। तो हम बाहर चलते हैं इंशाल्लाह। तो जी बच्चों का शायद शोर आ रहा है पीछे, और हम जो है वो अपनी इस बाइक पे, ये जो सामने है प्यारी सी बाइक पे, इसकी चाबी जो है वो गुम हो गई थी। तो ये अडाप्टर है, इसके ऊपर जो है ना ये चाबी रखी हुई है। तो बड़ी मुश्किल से इनका जो छोटा जवान है ना इनके जो छोटा नंबर, क्योंकि हमारा व्लॉग इतने दिन से नहीं आ रहा, सबको पता है कि नेटवर्क का जो बहुत ही ज़्यादा इशू चल रहा है, मसला है ना, तो इसलिए हमने व्लॉग जो है वो हमारा बंद पड़ा हुआ है, और हमारा व्लॉग आपके पास नहीं आ रहा, तो उसकी भी वजह होती है। तो हम अभी अपना व्लॉग जो है प्रॉपरली स्टार्ट कर रहे हैं, कोशिश करेंगे आपको साथ साथ दिखाएंगे कि आप सब ने हमारी सपोर्ट जरूर करनी है। ठीक है, तो ज्यादा बात नहीं होती, अपने व्यूअर्स को बोर नहीं करके और जाते हैं अपने सफर की तरफ। हाँ जी, तो ये वो पार्क है जिसमें हम पहुंच गए हैं। ये सीधा जो है ना ये भावलपुर सिटी है, इस साइड में भी भावलपुर सिटी है, ये जो है ना वो कमर्शियल एरिया आ जाता है। तो पीछे हमारी फैमिली भी आ रही है एक साइड पे हो जाए। तो कैसी फीलिंग आ रही है? बहुत ही प्यारी जगह यार, प्यारी जगह है ना, ये सामने देखें ना, इधर देखें काफ़ी लाइटिंग वगैरह, तो माशाल्लाह से। तो पहुँच आए हैं मिला के, मगरिब का टाइम भी हो गया और मगरिब की नमाज जो है ना आज कजा हो गई है। वो इधर नहीं है कि पढ़ सको, लेकिन मस्जिद यहाँ पर करीब करीब नहीं है। ये पीछे आपको मैं दिखा रहा हूँ, पीछे जो है ना ये बहावलपुर सिटी, हाँ दूर से आ रही है। अच्छा ये जो है ना अब ये कमर्शियल एरिया है बहावलपुर का जहाँ पर हम आए हैं। तो इसके अलावा ये सारा पीछे पार्क है, इसके यहाँ सारा पार्क, और शाम जो है ना वो होने को है मुकम्मल तौर पर, सूरज जो है वो गरूब हो गया है। तो फरियाद भाई पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हो यार? मैं देख रहा हूँ मेरा नेट नहीं है, मैं सोच रहा हूँ नेट लगा लूँ, लेकिन वही सोचता हूँ फिर नेट भी नहीं लगा। उधर तो वाईफाई थी ना हमारे पास, उधर तो वाईफाई थी, अब सोच रहा हूँ टिकटॉक बनानी थी। अल्लाह भला करे। तो यार ये बॉल आपने मेरे पास फेंक दिया, उसे बॉल दे दे। तो माशाल्लाह से यहाँ पर जो है ना खेलों के मुकाबले भी होते हैं इस साइड पे, इस साइड पे खेलों के मुकाबले होते हैं। यार फुटबॉल पड़ी हुई है, फुटबॉल्स पड़ी हुई हैं, ये आपको करीब से दिखाता हूँ। तो क्या प्लान है आगे का? आगे आप घूम लें थोड़ी सी देर, फिर चलते हैं होटल पे। और यहाँ पर जो है ना यानी कि वो सारे क्या कहते हैं उसे, इसके आगे पे प्लाजे चालू हो जाते हैं ना। हाँ प्लाजे वगैरह चालू हो जाते हैं। तो माशाल्लाह बहुत यानी कि खूबसूरत ये मंज़र है। तो जहाँ पर यानी कि यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो शहरी टाइप लोग हैं वो आते हैं, भीड़ जो है
शाम को ही होती है, दिन को कोई नहीं होता यहाँ पर, क्योंकि हर बस ऐसे समझ ले के ना तो ज्यादा शहर का इलाका है और ना ज्यादा नहीं कमर्शियल एरिया है, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? ज्यादा बड़ा नहीं है, नहीं नहीं बड़ा नहीं, असल में बात ये है ना, मुलाजिम बच्चे कुछ बच्चे जो है पढ़ने के लिए होते हैं, बड़े लोग मुलाजिमत भी होते हैं तो घूमने के लिए रात को आते हैं। हाँ, तो एक फैमिली साथी है। ये वाला एरिया जो है ना, ये वाली ये शॉप्स है सारी, ये वाली शॉप्स। अच्छा क्या खिला रहे हैं आप, सोचे? सोचता हूँ फिर बताता हूँ, जैसे चलेंगे वहाँ पर वीडियो के वीडियो पता चल जाएगा भाई कौन सी चीज़ आज खाने का प्रोग्राम है। चलें ठीक है। ये सामने आप देख सकते हैं पिज़्ज़ा, कौन सा है पता नहीं, पिज़्ज़ा हार्ट है, हाँ पिज़्ज़ा हार्ट है पता नहीं, पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा कौन सी शॉप है। और यहाँ पे एक पपास किचन भी है। इस जगह पर जो है ना मैं आया था पिछले साल, इस जगह पर आया था जब अबू जिंदा थे, तो माशाल्लाह कितना प्यारा सीन है। तो इधर भी आप देख सकते हैं, ये भी है एक जगह, ये जगह भी है। तो फैमिली जो है ना वो इस वक्त इंजॉय कर रही है, तो ये गेम जो है वो खेल रहे हैं, तो इसका नाम मुझे अभी जहन में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या है ये गेम, इसमें गेम में मुझे इंटरेस्ट नहीं है ना, मैं ज़्यादातर क्रिकेट वॉच करता हूँ, ये चीज़ें नहीं देखता। तो इनकी फैमिली जो है ना वो सीन कर रही हैं, और ये मेरे ख्याल में कोई यहाँ पर जो है ना वो लगी हुई है क्या कहते हैं उसे, यानी कि इस दायरे के आगे जो है ना आपने नहीं जाना, यहाँ पर एक दायरा भी जो है ना वो लगा हुआ है, कॉम्पिटिशन टाइप जो है वो लगा हुआ है, ये भी लगा हुआ है। तो इस वक्त जो है ना हम एसएस वर्ल्ड पहुंच आए हैं, टोटल 10 टिकटें हैं, 2 बच्चों की और 8 बड़ों की। ये देखें 10 टिकटें। ओ पता क्या है, जिम के दिए जिम के। तो ये एसएस वर्ल्ड हम आए हैं, प्लान हमारा चेंज हुआ है और इस शॉप पे हम मौजूद हैं, और थोड़ी बहुत शॉपिंग की है इन लोगों ने। हाँ जी। तो कोई कांटे वगैरह जो है वो बच्चों के लिए, मेरे पास है, मेरे पास मौजूद है, मैं दिखा बच्चों के लिए है। तो मैं तो पहले आ चुका हूँ, ये नहीं आए थे अपनी यूनिवर्सिटी के फेलोज के साथ। कौन सा मास्क लेना है? मास्क ले रही हैं आप, किस लिए ले रही हैं? पहनना पड़ता है ना, चलें ले हेलो जी, यहाँ पे आए हैं, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत है मंजर आप दिखा रहे हैं, ऊपर देखिए ऊपर ऊपर बहुत अच्छा सीन है। हाँ बहुत ही अच्छा सीन। तो जी माशाल्लाह सबसे आगे मैं हूँ ऐसे ना। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो माशाल्लाह से ये जगह देखें, बहुत ही प्यारी जगह है। कैसे है? ये कौन सी जगह है? झूले वगैरह भी हैं। तो एक छोटी सी बच्ची भी आ रही है, ये कोई मेरे ख्याल में क्वीन बनी हुई है, यहाँ पर झूले टाइप है, यहाँ झूले ही है।